तो हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग, मैं हूं आपका दोस्त हरविंदर और आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल हरविंदर गेमिंग। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है वो RC24 गेम के अंदर वर्ल्ड कप 2023 को अनलॉक करने वाले हैं, उसका रिव्यू करेंगे किस तरीके से जो है वो जर्सीज वगैरह बनाई गई, क्या कुछ यहाँ पर उसके अंदर देखने को मिलता है, सारे डिटेल के साथ रिव्यू करेंगे, गेम प्ले दिखाएंगे, क्या जर्सीज है, नए नए कुछ हिडन फीचर्स भी हैं जो मैंने पिछले वीडियो में नहीं दिखाए थे, इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो मन तक बने रहेगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। किस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, अभी सीधा यहाँ पर बढ़ते हैं आगे की तरफ टॉपिक की तरफ। तो सीधा हम चले जाते हैं यहाँ पे टूर्नामेंट सेक्शन के अंदर। टूर्नामेंट सेक्शन के अंदर आने के बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो आपको इंटरनेशनल के ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना, सबसे लास्ट में यहाँ पर स्क्रोल करके आ जाना, लिखा मिल जाएगा वर्ल्ड कप 2023 और ये जो है वो लेवल 98 पर आपका जो अनलॉक होगा। साथ में इसको एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पर 1500 टिकट चाहिए होंगे। जैसे ही लेवल 98 हो जाएगा आपका अनलॉक हो जाएगा, या फिर 2000 रुपीज के साथ आपको ये जो है वो अनलॉक करना पड़ेगा। तो चलिए, मेरे पास टिकट्स वगैरह हैं, मेरे लेवल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए मेरा जो अनलॉक हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपके यहाँ पर ये थोड़ा सा डाउनलोड एक एसेट फाइल जो है वो डाउनलोड होगी, जो कि जर्सीज वाली फाइल होगी, वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी आपकी। तो इस फाइल को मैं डाउनलोड होने देता हूँ। यहाँ पर देखिए कंप्लीट डाउनलोड जो है वो हमारी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए सीधा आगे की तरफ लेकर चलते हैं। यहाँ पर उसके बाद आ जाता है कि टीम सिलेक्शन करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो टीम सिलेक्शन आपको जो भी 10 टीमें थी वर्ल्ड कप 2023 के अंदर, वो सारी की सारी 10 की 10 टीमें आपको देखने को मिल जाएंगी। इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नीदरलैंड, जो भी यहाँ पर टीमें थी वो सारी आपको देखने को मिल जाती है 10 की 10। उसके बाद नीचे में डिफिकल्टी वगैरह, ओवर्स वगैरह अपने हिसाब से जो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 ओवर, 5 ओवर, 10 ओवर, 20 ओवर, 50 ओवर, जितने भी आपको सिलेक्ट करने हो उतना आप कर सकते हैं। डिफिकल्टी इजी, मीडियम, हार्ड, एक्सपर्ट, हार्ड कोर या फिर कस्टम डिफिकल्टी भी आप इसमें जो वो यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम जब हार्ड मोड और 20 का हम जब यहाँ पे सिलेक्ट जो है वो कर लेते हैं, उसके बाद इस तरीके से आपको सामने देखने को मिल जाता है। उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर एक मैच को प्ले करने के लिए आपको जो है वो 12,500 कॉइन्स आपको देने पड़ेंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये जो है वो शेड्यूल है, ये देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम शेड्यूल है। पहला मैच इंग्लैंड न्यूजीलैंड का, तो आप सभी को पता है कि वर्ल्ड कप 2023 के अंदर किस तरीके से शेड्यूल था रियल में, तो वो वाला शेड्यूल यहाँ पे जो है वो यूज़ किया गया, वही सेम हमारा जो पहला मैच है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, और रियल में भी पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ था, फिर यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ है। इस तरीके से हम वो यहाँ पे स्टैंडिंग की बात करें तो यहाँ पे 10 की 10 टीमें हैं ग्रुप में देखने को मिल जाती है, कि ग्रुप होता है लेकिन यहाँ पे वो सारी की सारी टीमें देखने को मिल जाती है। चलिए हम जब यहाँ पे प्ले के ऊपर हम जो है वो क्लिक कर देते हैं। एक मैच को प्ले करने के लिए आपको 12,500 कॉइन्स देने पड़ेंगे एक मैच को प्ले करने के लिए। उसके बाद आगे चले जाते हैं। चलिए पहला मैच हम जो स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर मैच के, यहाँ पर जब स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने को बोलेगा स्टेडियम वगैरह, तो स्टेडियम हम जो है वो धर्मशाला का सिलेक्ट करेंगे। पिच आप कोई भी रख सकते हैं। नीचे में टाइम ऑफ डे कि आपको कौन से टाइम के अंदर गेम को खेलना है, उसी इस साइड में यहाँ पर कैचिंग, मैनुअल, फील्डिंग जो भी है मैनुअल रखनी है, ऑटो रखनी है, ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद कमेंटेटर्स वगैरह सिलेक्ट करने हैं, किट बैग वगैरह है, तो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। जो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना हो वो आप कर सकते हैं। तो चलिए हम जो आगे चले जाते हैं, सीधा आप लेकर चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं क्या कुछ गेम प्ले के अंदर है, क्या कुछ कैमरा एंगल्स है। तो चलिए सीधा आगे की तरफ लेकर चलते हैं। बात आ जाती है यहाँ पर स्कोर सिलेक्शन करने की, यानी कि प्लेइंग 11 सिलेक्शन करने की। जो भी यहाँ पर वर्ल्ड कप 2023 के अंदर टीमों की स्कोर थी, वही प्लेयर यहाँ पर सिर्फ आपको देखने को मिलेंगे। जो भी टीम इंडिया की यहाँ पर स्कोर के अंदर प्लेयर थे, 15-17 जितने भी थे, वो सारे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कोई भी आपको स्कोर के अंदर प्लेयर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पर क्विक प्ले मैच के अंदर देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सिंपल जो स्कोर यहाँ पर वर्ल्ड कप 2023 के लिए प्लेयर थे वही देखने को मिलेंगे, प्लेइंग 11 वगैरह है। उसके बाद चलिए यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, लेकर चलते हैं आपको सीधा मैच के अंदर। तो चलिए टॉस की तरफ बढ़ जाते हैं। टॉस हो चुका है हमारा, जो वो टॉस होने के लिए तैयार हो चुके हैं। दो रेफरी और यहाँ पर दोनों कैप्टन मिडल में आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर जो हम हेड और टेल जो भी हमको वो सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं। पीछे में देख सकते हैं कि रूलर जो कि यहाँ पर नीचे पीछे में देखोगे तो वहाँ पर देखने को मिला है। तो ये एक नया हिडन फीचर है जो कि मैं बताना भूल गया था। उसके बाद ये है यहाँ पर आपके सामने प्लेइंग 11 आ जाती है दोनों टीमों के, और धर्मशाला का स्टेडियम मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था, वो मॉर्निंग में दिखाया था। अभी आप जो डस्ट मोड के अंदर इसमें देख सकते हैं, जो कि काफ़ी ही अच्छा लग रहा है देखने के अंदर। उसके बाद आ जाता है नेशनल एंथम, जो कि यहाँ पर नेशनल एंथम एक बार अब जो है वो सुनना। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैमरा एंगल्स न्यू ऐड हुए हैं। यहाँ पे नेशनल एंथम के टाइम जो है कैमरा एंगल्स काफ़ी ज़्यादा घूमते हैं, काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल क्लोज चला जाता है, कभी बिल्कुल ऊपर चला जाता है। तो न्यू कैमरा एंगल्स वगैरह देखने को मिले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से कैमरा एंगल जो है वो घूम रहा है, कैमरा का एंगल चेंज हो रहा है, कभी पास आ जाता है, कभी पीछे का दिखाता है, कभी दूर से व्यू दिखाता है, तो काफ़ी ही अच्छा देखने को लग रहा है। एक बार नेशनल एंथम जरूर से सुनना, यहाँ पर आपको न्यू कैमरा एंगल्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए मैं आगे की तरफ यहाँ से बढ़ता हूँ।
तो उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर प्लेयर की एंट्री। बाकी आगे बिल्कुल सेम टू सेम जैसा गेम प्ले वैसे का वैसे देखने को मिलता है, कोई भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता चेंजेस वगैरह। तो काफी अच्छा पीछे में बगी कैम यहाँ पे आ रहा है साथ के साथ। उसके बाद यहाँ पे प्लेयर्स आ चुके हैं, यहाँ पर भी नए नए कैमरा एंगल्स एड हुए प्लेयर की एंट्री के टाइम, और प्लेयर का जब स्टैट्स वगैरह दिखाया जाता है वहाँ पर न्यू कैमरा एंगल्स देखने को मिले हैं। इसके अलावा भी और भी बेहतरीन कैमरा एंगल्स एड हुए, डगआउट का कैमरा एंगल न्यू है, ड्रिंक्स ब्रेक का देखेंगे वहाँ पर कैमरा एंगल न्यू देखने को मिलता है, और कभी कभी यहाँ पर रिप्ले का कैमरा एंगल भी न्यू देखने को मिल रहा है। इस तरीके से और भी नए नए काफ़ी ज़्यादा कैमरा एंगल्स जो कि ऐड हुए हैं, जो कि हिडन फीचर्स मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो के अंदर दिखाए हैं, तो वो सारे आप इसमें जो देख सकते हैं। अभी चलिए थोड़ा सा एक दो गेम प्ले आपको यहाँ पर गेंदे खेलकर दिखा देते हैं, तो अभी आप जो वो गेम प्ले को इन्जॉय कीजिए, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के अंदर। अभी आप जो वो गेम प्ले को इन्जॉय कीजिए, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के अंदर। अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना। तो चलिए आज की इस वीडियो का मैं थोड़ा सा अभी मेरी वॉइस नहीं आएगी आपके, गेम प्ले को इन्जॉय आप कर सकते हैं। ये शॉट बढ़िया है, अच्छी टाइमिंग और गैप में भी मिल जाएंगे चार रन। बढ़िया चार रन, गेंद बल्ले से लगते ही उसका परिणाम तय था। ये शॉट बढ़िया है, अच्छी टाइमिंग और गैप में भी मिल जाएंगे चार रन। बड़ा ही करीबी मामला, लेकिन अंपायर ने दिया नॉट आउट। और वो अंपायर के डिसीजन से सहमत है। गेंदबाज अपने प्रिफर्ड एंड से गेंदबाजी करते हुए, वाह क्या क्लीन बैट स्विंग, 6 रन। गेंद सीधा बल्ले के बीच से निकली, वहां फील्डरों के बीच गैप ढूंढने में कामयाब, 4 रन के लिए।